नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो एक टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं आपको क्वेश्चंस पेपर की, इसमें मैं बता दूं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम एमए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पेपर करेंगे 2018 से लेके 2020 तक के हम सारे क्वेश्चंस पेपर करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको 2018 से लेके 2020 के एमए हिस्ट्री एंट्रेंस पेपर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले अगले पेपर आज हम करेंगे 2018 का पेपर, 2018 का पेपर हम करेंगे आज, जो कि आप देख सकते हैं ड्यू एमए हिस्ट्री टॉपिक फर्स्ट 2018 ड्यू एमए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर करेंगे 2018 का। हम अगला क्वेश्चन पेपर करेंगे 2019 फिर 2020। तो सारे पेपर आपके पास आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास पहले आ सके। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला शुरू होता है हिस्ट्री का, 2018 का हम पेपर करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन आईडी दी होती है और यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा ये, जैसे कि देख सकते हैं। और तो करेक्ट आंसर इसमें आपको बताया हुआ होगा। ऐसे आपका एक पेपर आएगा, अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज करेंगे हम एम एस टी के 50 क्वेश्चंस, बाकी के 50 क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, और इन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चंस होगा आपको, आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेगा, क्वेश्चंस आईडी मिलेगी और करेक्ट आंसर आईडी भी मिलेगी, ऐसे आईडी आ जाएगी आपकी। तो शुरू कर लेते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, और ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। हालांकि हिस्ट्री का पेपर है तो उसके अंदर आज हम जो करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस करेंगे, और आने वाले अगले 50 क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। 2018 का हम पेपर कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का 2018 का पेपर एमए हिस्ट्री, हिस्ट्री का पेपर है ये। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके एमए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिए, तो उनको ये पेपर करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के पेपर करेंगे तो हमारा 70% बेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारे कैसे प्रश्न आएंगे और किस किस पार्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 साल के पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मैं 3 ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो 2018, 2019, 2020 तीनों पेपर आपको इस पर मिलेंगे, और स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊँगा क्या बुक पढ़नी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ लेते हैं फिर आगे प्रश्न पर। आपको जो भी प्रश्न है इसके अंदर आपको देखना है और क्या उसका आंसर सही होगा वो आपको लगाना है। हालांकि इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 क्वेश्चन आपका ठीक होता है। बात कर लेते हैं इसमें जो हमारा मार्किंग सीम है वो क्या है। तो मार्किंग सीम मैं आपको बता दूँ, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं ड्यू के एम ए हिस्ट्री में, 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। जो कि बात कर लें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसके अंदर, हमारी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है भैया नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, और 1 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या हुआ इसका मतलब, 4 में से 1 गए तो बचे कितने, 3, तो आपके पास 3 नंबर सिक्योर हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत हार्ड नहीं है, तो आपको क्वेश्चन पूरे करने ज़रूर हैं। आप पूरे क्वेश्चन करेंगे तभी आपकी अच्छी रैंक आएगी और अच्छे नंबर आपके आएंगे। अगर आपको दोस्तों एमए हिस्ट्री की लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। दो हज़ार उन्नीस का जो पेपर है आपको मैं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको अगर इसकी चाहिए इस पेपर की 2018 की हमको, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ज़रूरी है।
टेलीग्राम चैनल पे आने वाली ड्यू की हर इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलें। ये आपके सभी पेपर हैं, हालांकि इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 2 घंटे में आपको करने होंगे। कितने में? 2 घंटे में दोस्तों, 2 घंटे में आपको करने होंगे 100 क्वेश्चंस। एंट्रेंस बेस्ड जो हमारा ये एंट्रेंस होता है, इसमें हमारे MHT में 2 तरीके से एडमिशन होते हैं, आपको बता दूँ। एक होता है एंट्रेंस बेस्ड और एक होता है मेरिट। तो मेरिट का मतलब जो आपके नंबर होते हैं आपके ग्रेजुएशन में, MA History BA ऑनर्स हिस्ट्री में, उसके नंबर इसमें लगते हैं और उसके हिसाब से मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस में आप किसी भी फील्ड से हो, आप एंट्रेंस दे सकते हैं और MA History में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे एडमिशन लेना है, क्या इसका प्रोसेस होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली हर इन्फॉर्मेशन, आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं MA History के लिए, DU में एडमिशन के लिए, तो उनको 3 साल के पेपर देखना ज़रूरी है। तो पेपर ये ज़रूर आप उनको दिखाएँ, आपको शेयर करें, आपके जो भी स्टूडेंट, आपके जितने भी आपके साथी हैं, आपका जो मित्र हैं, सबको ये पेपर ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ आज हमारा पेपर एंड होता है, 50 क्वेश्चंस आपको कर लेते हैं हम, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे हम, छोटी वीडियो रहेगी। तो इसे आपको सारे पेपर आपको क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें से किसी भी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर मैं हर समय एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे मैसेज वहाँ कर सकते हैं। तो अगले पार्ट फर्स्ट था हमारा, ये पार्ट फर्स्ट 2018 का पेपर का, तो पार्ट हम जो 2 है कल करेंगे, आखिर के हमारे 100 क्वेश्चंस जो थे उसके 50 क्वेश्चंस जो रहे हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।